Good morning, everybody. So, we just did the exercise. We woke up a little early today. Huh? Show me your body. Show me my flag. Oh my god. Yeah, he's got 6 bags, I got 1 bag. People, some people are still sleeping. Some of the boys. I'm gonna wake them up now. Neeraj and Viren. I wake them up now. Good morning. Except Piyush is. अलग ही ग्रामर है विद साउंड सिस्टम बताओ ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट अरे रिवर्ब मेरा ग्रामर बहुत स्ट्रांग था मेरा सरसों का गरम तेल ले बंटी इज द सब्जेक्ट और उसमें लहसुन डाल दे आगे एडजेक्टिव सी तो उस तेल से या तो बंटी कर देगा कोई ये जड़ों में पूरा लगाए पैशन एक ऐसी चीज है जब आप फॉलो करो तो 100 लोग आपके पीछे रहे यार टू गिव इट बैक टू आवर फैमिली ना रेस्ट नहीं है सीधा ये कट करो ना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक है लोगों की काफी मेहनत होती है इसमें एक गाना है कहां से आया कहां जाओगे खबर करे अपने वो सीडी में गाना है तो पहला जी से हमने बहुत सारे गाने सीखे भी हैं समझे भी हैं और ये हमारी एल्बम में भी आए हैं और इसी को देख के अब हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि इसके बगल में हमारी भी एक छोटी सी सीडी आ जाती है ये हमारी सीडी है कभी कैफे की 11 बजे गुड नाइट झीनी माया जिनत जी मोटी गई बिलाए झीनी माया जिनत जी मोटी गई बिलाए ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिराए कि कबीर जी कहते हैं जिसने सूक्ष्म माया का त्याग कर दिया जिसने मन की आसक्ति रूपी सूक्ष्म माया से नाता तोड़ लिया उसकी मोटी माया स्वतः ही नष्ट हो जाएगी मतलब अगर छोटी छोटी माया से आप अपने आप को दूर रख रहे हो तो जो बड़ी माया इस दुनिया में है वो तो आपसे खुद भाग जाएगी कि मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना है गुड मॉर्निंग एवरीबडी अभी बहुत अच्छी सुबह हुई है हमारी यहाँ कैंप मैक्स में आने के बाद हम लोग का पहला मोटिव था कि हमें स्टूडियो बनाना है स्टूडियो मेकिंग चल रही है थोड़ा कपड़ा भी दे दो मेरे को यार हमारे दोस्त हैं राम भरोसे जी ये हमारे को बहुत मदद कर रहे हैं ये हमारे बड़े भाई हैं इनके थैंक यू बोलते हैं वेरी टाइट सी मुकुंद भाई आप देखने चाहिए कुछ करो वेल सो टुडे इफ यू सी ऑल ऑफ दिस हियर यू सी लॉट ऑफ पैनल्स हियर एंड देयर ज़हीर भाई इज़ आल्सो हियर ही इज़ हेल्पिंग अस आउट विद दिस एंटायर थिंग सो दिस इज अ रूम एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू अ मेकशिफ्ट स्टूडियो वेल सो स्वप्निल इज़ हियर ही इज़ अ साउंड इंजीनियर ही नोज़ द डायनामिक्स हाउ दिस हैज़ टू बी देयर ब्रिटो नोज बेटर देन मी इन टर्म्स ऑफ इको एंड थिंग्स लाइक दैट फिर से ट्यूनिंग ये जो है ना साउंड चेक की प्रोसीजर है मतलब चेक कर रहे कार से नॉइस आ रहा है आप ऐसा मत समझिए कि सब मजाक कर रहे बहुत नर्वस था कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बट मुझे लगता है जब कोई मास्टर लोग हो तो आपको बीच में नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं बाहर आ गया पीछे अगर आप देख रहे हैं ये जो इतना खूबसूरत जगह है ये बेसिकली लाइक आउट हाउस और लाइक अ गेस्ट हाउस एंड अ स्पा क्योंकि ये एक वॉल पूरा ग्लास है बाकी स्टोन है और ऊपर वुड है तो काफ़ी हद तक तो ये स्टूडियो में जो जो सामान जिस तरह का साउंड प्रूफिंग चाहिए होता है काफ़ी हद तक इधर था तो जो ग्लास विंडो था उसको हमें कवर करना था तो देन वी गॉट सम पैनल्स 50-60 पैनल्स और हमने उसको ग्लास पे डबल लेयर पे चिपकाया और उसको पूरा कवर किया एंड देन वी गॉट मोर पैनल्स टू कवर द स्टूडियो फ्रॉम साइड फ्रॉम दी वॉल्स एंड ऑल ताकि वो जो साउंड का रेजोनेंस है वो टिका रहे आपका आइडिया चाहिए चिपक सकता है और इनका रिकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ पे इनका यहाँ पे There's no shortcut. You have to go through each and every
curl that has been here. See, all show that again. सही बोले एकदम. यही चाहिए था मुझे तुम्हारे पास. सो भाई स्टूडियो तो तैयार हो गया, अब है टेस्टिंग की बारी. Hey hey hey, how good it is, right? To record without a shirt in a studio so freely. This is what Kabir is about. Do what you want in your life. खाली मत पीटा कर. You connect your guitar. I'll take a mic. Let's start with the first. कोई मत छेड़ो. Doing a fine tuning after the changing of strings. I like this guitar a lot. This is my second guitar I've owned. I bought this from Bangalore actually. I didn't go and buy it, but I saw it online. It's a second hand guitar. Since 2013 I've been holding this guitar and playing this guitar. This has traveled to about 11 countries maybe. With the Kabir Cafe of course. एकदम भारी सीन हो गया था आज. थोड़ा सा आज सब लोग काम के जोन में थोड़ा एक टाइम होता है जहाँ सब मस्ती वस्ती होती है. कल रेमबो दिखा हमको सब भाई साहब, स्क्रैच करते करते भागे बाहर. भाई रेमबो रेमबो देखो सामने प्रकट हो रखे दो इंद्रधनुष, टू रेमबोस. सब लोग को पूछा एक एक लाइन बताओ सब लोग, किसको कैसा लग रहा है रेमबो देख के. मैग्नानिमस, ब्यूटीफुल. आई नेवर सीन टू रेनबोस. Amazing. चमत्कार. ये रियलिटी है भाई. भाई साहब विक्की हमारे ना वहाँ पे. ये हम सात रंग का कलर लग रहा मुझे. क्या जो निकला बोला मैंने सीधा रेमबो के साथ सात लोग को कनेक्ट. जो निकला था वो मेरे दिल से निकला था. जो इंद्रधनुष था उसके सात रंग होते. और मतलब आप सोचेंगे हम है छह जन, लेकिन उस समय एक हल्का सा जो रंग है ना वो तो हमारे साउंड इंजीनियर वो हमारे साथ में थे, तो एक कलर ऐड हुआ था. और उस समय पीछे इंद्रधनुष था और हम सात जन खड़े थे, तो मेरे दिल से निकला था वो. उनका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, सो आई शुड अप्रिशिएट दैट. और जो उन्होंने बोला दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. द बेस्ट पार्ट अबाउट रिकॉर्डिंग हियर इज वी आर वेरी क्लोज टू नेचर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस वेरी अकूस्टिकली. व्हेन यू आर क्लोज टू द नेचर इट ऑल्सो हेल्प्स यू क्रिएट पार्ट्स. We have to be there at 7 o'clock sharp. Every day, 7 to 9, we'll be there. Page kya aur kuch kar. Mic. Hi, I'm Swapnil Tare and I am doing sound for Neeraj Arya's Kabir Cafe. Also doing the production, doing all the recording stuff. It's been I think 5 years since I met the band. पहले मैं जब मुंबई मूव इन हुआ था तो मैं ब्रिटो से मिला था. ब्रिटो ने मुझे बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद से वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. तो कबीर कैफे मैं पहले से सुनता आया हूँ, तो जैसे ही मैं आया तो आई ऑलरेडी नो कैसे वो सॉन्ग करते हैं और कैसे. सो आई नो वॉट दे वॉन्ट. सो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ जो अभी हमने बिल्ड किया है. अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक दो जैमिंग सेशन करके साउंड चेक कर लिया है और मेरे हिसाब से ये 90% डन है. रिकॉर्डिंग्स के पहले जैमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो जैमिंग में कई बार ये होता है कि हम लोग नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, नए पार्ट्स बनाते हैं और फिर उन पर वर्क करते हैं. टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक कि मूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी ये लोग एक बार में पूरा गाना कर देते हैं और कभी कभी 4 घंटा लग जाता है, 5 घंटा लग जाता है एक ही चीज़ को करने में. बट उसके बाद जैसा वाइब होता है, जैसा हम लोग फील करते हैं, उस हिसाब से हम लोग ट्रैक करते हैं.